ब्लास्टर्स संदेश रिकॉर्डिंग ब्रो कॉट मी इन अ वेरी वल्नरेबल मोमेंट यार. As you can see at the light behind me, which club I support in the ISL. It's yellow, in case you can't see it. Alright. Because I'm a yellow submarine. Oh, good lord. Oh, bro. आपको ऐसे emotions आए थे जब आपने सुना कि संदेश झिंगन ने सर आपने अपना intro किया ठीक है. हाँ, मैंने कर दिया. अब ऐसा है हम लोगों की दर्द का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं. हम बस अपने अपने स्किल अपने आर्ट फॉर्म को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं राइट. तो मेरा भी एक इंट्रो था. ओए 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 बताइए सर बताइए. इट्स लाइक अ हाई टेंपो इंट्रो यू नो एज हाई टेंपो एज आई कैन गेट व्हेन आई एम शॉर्ट फर्स्ट. ओके ओके परफेक्ट परफेक्ट. एंड दैट्स वाटर बाय द वे मिनरल वाटर. Good evening, sports fans, and welcome to a brand new episode of 420 Grams, where we're dealing with the news of the biggest transfer in history of Indian football. Hi, sir. Come on, guys, enough. That was like a mirror image of what I used to do for a TV channel, man. That no, because, you know, why are we doing American andaaz mein intro kar rahe hain show ka? Because logic hai, bhai. Kerala Blasters ne retire kiya hai number 21. कितने 15 साल बाद इज ही लीविंग द क्लब आफ्टर 15 इयर्स. ही सेड द लीग इज 6 इयर्स ओल्ड सर. यार ये नहीं समझ में आया भाई मेरे को यार. मतलब मैं प्लेयर का कौन मजाक उड़ा रहा है. प्लेयर इज अ गुड प्लेयर टॉप प्लेयर है इंडिया का एंड बड़ा न्यूज है तभी हम एपिसोड भी कर रहे हैं. ऐसा तो है नहीं कि और प्लेयरों ने अपने क्लब नहीं छोड़े तो हमने हर किसी के बारे में एपिसोड तो किया नहीं है. बट ये अगर आपके टॉप 3 के ब्रैकेट में आता है इंडिया के तो बात करनी तो बनती है. 100% या नहीं तो हम जनरली और जो लोग हमारा शो देखते हैं मतलब कम लोग देखते हैं लेकिन रेगुलरली देखते हैं और जो उनसे बातचीत होती है फीडबैक जो उनका आता है वो मोस्टली लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद सम ऑफ दीज इश्यूज की ट्रांसफर पे कितनी बात करते हैं या यू नो टॉक अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड वी जनरली डोंट बिकॉज दीज आर sort of the day-to-day elements of the game which we don't have the resources to be able to cover in depth. Resources also, there's a lot of shit flying around, bro. Yeah, rumors and gossip and most of it is based on that. But साथ साथ बोलता है अपने शोभा नहीं देता है ये सब. ये बोलते रहे शोभा नहीं देता लेकिन सुबह सब कॉल करे जा रहे हैं यार कुछ तो बता दो यार संदेश को ले आओ फोन कर. लेकिन हम जाएंगे वापस अपनी जो हमारे हमारी जो फिलॉसफी है उस पे कि ये ठीक है हमने सुना है कि क्लब्स ग्रेट प्लेयर्स की जर्सी रिटायर करते हैं और वेन ग्रेट्स की जिन्होंने या माइकल जॉर्डन जिनका शो आजकल नेटफ्लिक्स पे पूरी दुनिया देख रही है तो भाईचुंग का हुआ है रिटायर क्या वही एक तो लाइक देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ इंपोर्टिंग ट्रेडिशंस कि अगर जस्ट बिकॉज़ ये कहीं होता है अमेरिका में होता है पर्टिकुलरली यूके में अगर हम देखें बहुत नंबर 10 या फुटबॉल में अगर हम देखें नंबर 10 प्लेयर्स अब कितने रहे हैं कहां रिटायर होता है नंबर 10 और फिर आपके क्लब में नंबर 10 रिटायर हो गया इफ यू आर यूवेंटस और रियल मैड्रिड And then how many players who want to have that number 10 for that club will you not be able to sign for that simple reason? And how many billion dollars in jersey sales will you forego? So it's a... And then with a player who's currently active and someone who's popular because, you know, the fans reacted very emotionally as fans always do.
the Instagram post, for example, from Manjapada, the official fan club, was very much a, like he came a boy and he left a legend. You know, the kind of hyperbole that also... But usko thoda, uska wo, with a pinch of salt bhi lena chahiye, janab. Yeah, hyperbole to hai hi. Matlab, kya legend? Because agar aap... Yeah, isliye maine apna aage lekha. So, matlab ki baat ka batangad banana ya. Haan, haan, haan. To speak in superlatives all the time, greatest legend, right? Legend, हाँ. जब जो जैसे हम हिंदुस्तान या इंडिया या जो भी हमारी सिविलाइजेशन सभ्यता है उसके बारे में बात करते हैं और कितना कितनी पुरानी सभ्यता है ये, तो हमारे यहाँ लेजेंड बनने में हजारों साल लगते हैं, राइट? अगर आप राम का लेजेंड ले लें तो उसको बनने में और उसके जितने फॉर्म्स हैं 3-4 हजार फॉर्म है रामायण के, उसको बनने में कितने हजारों साल लगे हैं। अब यहाँ पे आप एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अगर किसी को लेजेंड, हर बंदे को लेजेंड बनाने लग गए, अगेन लाइक यू वर सेइंग, प्लेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज़ प्लेयर क्या कर सकता है यार, प्लेयर तो हैज़ टू इज थिंकिंग अबाउट हिज प्लेयर हिज करियर एंड हिज यू नो ही हैज मल्टीपल कंसिडरेशंस, द बॉय हैज हैड अ ACL टेयर एंड ही इज एक्चुअली एक्सक्यूज मी ट्राइंग टू गेट बैक टू फुल पीक फिटनेस in difficult circumstances because training is not happening because there's COVID-19, you have you don't know when the next season is going to come, so yeah, there it's a very difficult time, I mean, for people who, all kinds of people across spectrums, like we've been saying, jo apne physical labor pe ya apne apna labor bech ke usse dihaadi kamate hain, theek hai, yahan pe main ye nahi keh raha hu ki inki dihaadi kaafi substantial hai, to के जो एम्प्लॉयर हैं उनके लिए भी फायदेमंद है ये, राइट? जनाब उसमें थोड़ा थोड़ी देर में बात करेंगे, देखिए सबसे पहले टीमवर्क बेसिकली आई गेस एस्टैब्लिश हमने, शायद मैं ज्यादा बात करूं, सॉरी। नहीं, बड़ी अच्छी बात बोली आपने यहाँ पे राम जी के बारे में, बड़ी प्यारी बात बोली, आप मेरे को वापस वनवास में ले गए थे लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन पॉइंट बीइंग द रीजन वी गॉटन टुगेदर फॉर दिस एपिसोड इज पार्टली बिकॉज we're trying to give you the lowdown of what exactly took place, right? It's not as black and white as chalo ji maine chitta de diya, aapne chitta accept kar liya aur hamari gaadi aage badh gayi, because the player was still under contract, he was on a 2-year deal, 1 year of that deal went away last year in season 6 when he didn't play anything because of an ACL injury, so the last year of his deal remained. But the point being, hum yahan pe, don't mean no disrespect to Sandesh, don't mean no disrespect to any of the fans who, of course, showing their love for him and whatever. But the point is, we are here to give you a measured take on possibly one of the biggest players in Indian football opting to move away from a club he's been with for the last 6 years. Simple. ठीक है भाई? तो सबसे पहले at a time when essentially we don't know when the next season is going to happen, what shape it's going to take, etc., etc. And most people that are kind of employed, right? Have whatever job, and if you have the given the choice to either stay in that job in this environment where everything is kind of iffy, or to move on, perhaps the choice that you will make and that normal people like us can relate to is ki aap wahi tike rahenge na, aap dekhenge kya hota hai. So, us context mein bhi, I think maine thoda ye rakhta hai ki kya soch rahe hain log. Sahi hai. तो पहले इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़ दो आप, उन्होंने एक आजकल नॉर्म हो गया कि चिट्ठा लिखना होता है लोगों ने, हम ऐसा करते हैं सर, छाप देते हैं ना उस पोस्ट को, अब इस वीडियो में मोटा मोटा बता दो आप, उन्होंने क्या बोला है उसने, जिन्होंने सर, संदेश जी ने, सॉरी मैंने मंजापाड़ा का खोला हुआ था, तो आई विल जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट पुल अप संदेश इफ आई कैन फिगर आउट द टेक्नोलॉजी. Not our strongest point, but you are probably the biggest I think you're the driving force of technology for this podcast. Doesn't speak very highly of the people on it might, but see bhai, aap ye wahi baat hai na, aap evaluate karne pe lag gaye end result ko. Aap dekhein ki fir everything makes sense, theek hai, things are the way they are because I am the driving force, my friend. that is true sir, much love to you. आपकी जैसा रॉकेट अगर मिल जाए तो हम कहाँ पहुंच जाएं, क्या पता? नहीं नहीं जनाब, अगर पहले, by the way, to all the 2000 people watching this, do share some love for Siddhant because he wants some love today. And tell us why you really like Siddhant. And if you consider him to be a legend.
We've done more than 100 shows for Fort Mendy Grahams. And if you consider him to be a legend, then tell us why you consider him to be a legend. And maybe, maybe Siddhant will then write an emotional post for you guys. Maybe not. Hmm. So, जो काफी रेगुलरली देखते हैं उनका मैसेज आया एंड आई आल्सो आई वाज गोना से दैट ऑन द शो वी गोना पुल योर लेग अ लॉट सो प्लीज डू शेयर इट विद ऑल योर संदेश फैंस एंड ऑल द केरला ब्लास्टर्स फैंस बिकॉज़ गालियां बढ़ेंगी बहुत है ना हम भाई क्या होता है फुटबॉल में या तो आप न्यूट्रल हैं अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप बहुत बोरिंग हो गए ठीक है ये तो बात मानने वाली बट दूसरा ये है कि अगर आप न्यूट्रल हैं इट गिव्स यू लाइक जिस क्लब के साथ अच्छा या बुरा या जो भी हो रहा है आप उनकी थोड़ी बहुत खींच सकते हैं ना बिल्कुल खिंचाई करने तो मतलब इट्स पार्ट ऑफ दैट्स व्हाट क्रिएट्स आई सपोज द कॉन्वर्सेशंस द सोशल कनेक्शंस एंड व्हाई पीपल अक्रॉस सो मेनी लाइक कहाँ कहाँ से दुनिया भर में लोग फुटबॉल के बारे में कनेक्ट करते हैं राइट तो वही है खिंचाई तो Also, if someone thinks I'm going overboard, main mazak hi kar raha hu, but if you think I'm going overboard, then connect with me on Twitter and Instagram. Yeah. Then you'll figure it out. fair enough. Wait, are you back by the way? You're not, right? No, bro. Can't you see my face is glowing? Of course I'm not back. So, I mean, it's a lot. It's a long post. Of course, he wants to wish Kerala Blasters and the people of Kerala good luck. But he's saying sort of that he's on his knees and he wants to thank the people of Kerala for the unconditional love that they've given him and given me in all situations. We had some great moments and I'll remember and cherish them for the rest of my life. You helped me grow as a person and as a footballer and you will always be my family. I want to keep it short because my hand trembles while I write it. So lastly... and then he was going to wish them well and all the best. And very nice picture of like a site that it will take us some time to get back to because it's a packed stadium, home game. You know, you can see the banners up and. Janab, then the post is perfect because we wanted to start by giving the player's perspective, right? Yeah. अब सुबह से आप और मैं लगे हुए player के agent के साथ बात कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ आप इन्फॉर्मेशन दीजिए एंड ट्रूथ बी टोल्ड वी बीन ट्राइंग हार्ड टू गेट संदेश टू जॉइन अस एंड चैट विद अस दे वर वेरी इफी दैट दे डोंट वांट टॉक अबाउट एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज़ द थिंग इज आई एम गेसिंग दे डोंट नो व्हाट देयर फ्यूचर प्लान्स आर और इवन इफ दे डू नो देयर फ्यूचर प्लान्स दे डोंट वांट टू डाइवर्ज एंड यू नो फुल क्रेडिट टू देम फॉर दैट बिकॉज़ दैट्स देयर डिसीजन भाई एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट डिसीजन राइट वी डोंट हैव वी आर नॉट पुटिंग गन्स टू एनीवनस हेड टू आइदर या नहीं फेयर इनफ तो आई एग्री विद दैट बट उसके अलावा कुछ आपको सेंस मिला कि व्हाई दिस डिसीजन वाज टेकन हां आई मीन दैट सेड दीस गाइस डिड टेक द टाइम टू एक्सप्लेन टू अस व्हाई दे डोंट वांट टू स्पीक इन पब्लिक एंड व्हाट द फोकस इज राइट नाउ सो आई थिंक संदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस है उसका ACL सर्जरी हुआ है या आई एम अ ACL एक्सपर्ट ऑन द शो या एंड एग्जैक्टली सो I mean, 5 surgeries Pandit has had and, you know, And it changes your life, yeah, in so many ways. I mean, you should be talking about this, but the point is that he wants to get back to peak fitness as much as possible. And ab ek to game band ho gaya hai, so he can't even, you know, hook up like a private game, 5-6 guys, pick up games so that he gets back into the sharpness, the reflexes, all of that stuff. So it's a difficult thing. So, unke hisab se, they want to focus on that fitness. And obviously, because there's been so much talk about Indian players going abroad, and because Sandesh is young, yeah, 26. Yeah, he's young. He's built well. He's a big guy, and he's physically, as anyone who follows him on Instagram would have seen, you know, he's. Working really hard on his recovery and he's strong. I mean, he's also like upper body strength, not just because there are many times when players tend to concentrate on doing your leg days, but yeah. So
tough guy, and he so perhaps an attractive proposition for any league where there's a substantial Indian population of viewers, audience, you know. So ye log evaluate karenge aur based on like kahan se interest aata hai aur aur kahan level kahan higher hai. Because this much is there, I think there's a recognition ki higher level pe khelna hai. So agar aaj ISL mein khel rahe hain as a starter. And also the clock is sort of going in reverse then, na? Because up 26, 25 cross kar liya aapne. So if you have ambitions of going abroad, Indian player, you have to A, give yourself that period of adjustment, right? Now, period of adjustment will not be given to a 28-year-old, to a 27-year-old, 29-year-old. Agar aap 28-29 saal ke ladke ho, to aap pakke hue player ho, sir. Matlab aisa nahi hai ki aap 25-26 mein pakke hue player nahi ho. But 25-26 mein agar aap aa rahe ho, you can even think of signing a 2-year contract. Saying ki chalo ji pehle 6-7-8 mahine aap mujhe thoda adjustment period do. Uske baad mera asli rang agar nikalta hai to nikalta hai. और नहीं निकलता है लाइक कीपिंग इन माइंड द कॉन्वर्सेशन वी वर हैविंग विद माइकल चोपड़ा कि इवन इफ इट डजंट वर्क 25 26 28 आपने निकाल लिया आपको खेलने को नहीं मिला आपके पास स्टिल 4-5 साल हैं वापस इंडिया में आके और आप अभी भी टॉप प्लेयर रहोगे क्योंकि आप यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू हु हैव गॉन अब्रॉड सो इफ यू हैव टेकन दैट लीप ऑफ वांटिंग टू जंप लेवल्स एंड इट डिडंट हैपन फॉर व्हाटएवर रीजन यू विल स्टिल कम बैक डाउन टू द लेवल यू वर प्लेइंग एट एंड यू विल स्टिल बी वन ऑफ द बिगेस्ट अर्नर्स एंड द बिगेस्ट स्टार्स इन द कंट्री सो आई कुड अंडरस्टैंड दैट Yeah, I guess, and that pretty much, since we don't have the player, I guess, sums it up for from that perspective. So, club ki perspective se, July, I think June, in fact, June is next month, yeah. June se naye contracts shuru ho jate hain. So, Sandesh is a big money player, I mean... Yeah, I think he's earning about a year. Fair enough. Around so, that, I think, but yeah. Not sure exactly. That's a big amount, bhai. Yeah, so which means then you have to pay that in monthly chunks, which you don't know when football is going to start and nothing is happening again. Yeah. But aapka contract to shuru hai. June se payment jana shuru hai. So in that sense, it allows the club to save money. And also from the club's perspective, I can understand why they've let him go also. You know, dekho ji, pehli baat, aapne pichle saal, so the deal is, the before season 6, the transfer window before season 6, he wanted to leave, right? He wanted to leave and he had big money offers coming in, especially from an 80K, right? So, agar yahan pe usko, usne 2 saal ka sign karwa diya, around 2 years, every year basically, तो 80K से उससे ज्यादा पैसा आ रहा होगा ये उन्होंने बीच में उन्होंने एक वो क्या कहते हैं फिगर ढूंढा होगा जिस पे दे मस्ट हैव अग्रीड तो उसको साइन करवा लिया ऊपर से उस साइनिंग में उन्होंने ये भी करवाया है कि अगर आपको बाहर से फॉरेन इंटरेस्ट है वो पहले से है कि कभी भी फॉरेन इंटरेस्ट आएगा एंड देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू माइट नीड टू ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट और यू माइट गो फॉर ट्रायल देन वी विल लेट यू गो आई डोंट नो इफ इट वाज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इट वाज वर्बली अग्रीड बट इट्स देयर राइट तो वो भी है अब अगर आपका एक इंडियन खिलाड़ी एंड फॉर एज गुड एज संदेश जिंगन इज देन ही इज क्रीम ऑफ द क्रॉप एज फार एज इंडियन प्लेयर्स आर कंसर्न्ड इफ ही इज अर्निंग समवेयर क्लोज योर फॉरेन प्लेयर्स आर कमिंग इन द 90 लाख रीजन ऑफ द 1 CR रीजन सो फ्रॉम अ क्लब्स पर्सपेक्टिव स्पेशली व्हेन यू नो दैट स्टेयरिंग अहेड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज विल प्रोबेबली बी इमेंस हां आप कहोगे यार ओके व्हाई नॉट बिकॉज़ मैं 90 लाख में एक प्लेयर ला सकता हूं फॉरेन प्लेयर हु माइट बी ऑफ द सेम कैलिबर एज संदेश जिंगन आई माइट नॉट फाइंड एन इंडियन प्लेयर हु माइट बी ऑफ द सेम कैलिबर बट आई कैन फाइंड अ फॉरेन प्लेयर ऐसा तो नहीं फॉरेन प्लेयर रूल्स लैक्स हुए अभी भी आप मतलब वो साथ के साथ भरी तो रही हो या मैं फॉरेन प्लेयर ले आऊंगा यार उतने 80-90 लाख में मे बी ही कैन मैच व्हाट संदेश वाज डूइंग और ही कुड बी इवन बेटर देन व्हाट संदेश वाज डूइंग ऑन द फील्ड या आई मीन देयर इज आल्सो द अदर part that we touched on earlier about like the injury and coming back from that and how fit Sandesh will be to you know we also have to consider the situation that Kerala Blasters is in terms of results pretty bad results haan, agar aapke paas sabse badi fan following hai aur all the positives are there
then you eventually need to start giving those results. And Sandesh might have wanted to leave to go to ATK, for example. If both the money as well as winning trophies, like in a player, that's also a part of it. Like, agar aap, aapka jo motivation hai to be in ISL, right? Team. Yeah. That is the most successful ISL team. Yeah. So, yeah. I mean, if I was a player at the peak of my powers, I would be thinking, yaar, theek hai, main, if I can't go abroad also, at least let me here go somewhere and create that, like, 4 or 5 years where we win all the trophies and then you retire my jersey. कितना बड़ा मतलब हम बना देते हैं किसी चीज को. बिकॉज आई मीन अब हम क्यों बात करें संदेश झिंगन के एग्जाम्पल की, बिकॉज इट is valuable. I mean, these are still pioneering stories. Shuruaat ho rahi hai. Initially, hum try kar rahe hain, koi jaye. Hum nahi, matlab, log try kar rahe hain. Ki hum bahar ja ke khele and all that. And then, youngsters can make a template or build some kind of understanding out of that of how things work. Right? It's not to, I mean, make jokes about it, but realistically speaking, why would you say no to that, right? Yeah. But you are under contract. And that also has its own, I mean, sort of place in the thing, whether the other party is willing to pitch in to break your contract or not, blah, blah, blah. And this foreign player release clause is great, foreign club. many, I think, players that are national team players. Maybe, have this kind of clause where if there's some interest from outside, a bigger league or whatever it was. Yeah. That out of just general mutual interest in developing football, you let people go. Irrespective, bhai. Also, jab Michael se baat kar rahe the, to wo keh rahe the ki kuch na ho, agar aapko khelne ko milega bhi nahi, chahe aapko nahi khelne ko mila, aapka aapke aapke desh ka sabse bada khiladi Sunil Chhetri hai, usko khelne ko kitna mila, chahe wo jitne bhi clubs mein gaya, harsh reality is nahi khelne ko mila. Nice. But did he become a much better player? And is that a result of what we're seeing right now? Of course, it played a big part into it. 100%, So if Sandesh, not just Europe, but even when he went to the US to Kansas City and like the he was physically transformed there. Yeah. So you have to applaud the decision, because from an Indian player's perspective, na bhai, kya hai? Ki yahan pe aap ho, aap Sandesh Chhingan ho, aap bade khiladi ho, aap star player ho, you're willing to risk all of that. Take a punt, go into uncharted territory where you're possibly nowhere close to the star that you were here in India, right? And even on the team, you have to prove yourself. You have to prove, sir. आपने खुद बोला है, आपने इतने World Cups करें, Euros करें, when you go to the stadiums, it's the same thing. Amongst journalists also. आपके जो journalists, बड़े-बड़े European nations के जो journalists हैं, they try to act like big dogs. अब आपके साथ ज़्यादा वहाँ पे क्यों नहीं मुलाकात होगी? क्योंकि वो कहें, यार ये इंडिया गए. तो सेम मेंटालिटी प्लेयर्स का भी होगा जनाब, सेम मेंटालिटी प्लेयर्स का होगा. तो टू टेक दैट टॉल एंड गो इनटू दैट एंड टू रिस्क द फैक्ट दैट यू माइट नॉट गेट टू प्ले, राइट? देयर विल बी रिपोर्ट्स दैट संदेश झिंगन इज नॉट इवन मेकिंग द प्लेइंग 11. आई एम जस्ट सेइंग, अज्यूमिंग दैट ही इज नॉट गेटिंग टू प्ले अ सिंगल गेम इन इंडियन मीडिया. ऊपर से आप कमा रहे हो यहाँ पे सर, उतना आपको पैसे वहां नहीं मिलना, वहां नहीं मिलेगा. तो आप वो भी फोरगो करने की ट्राई कर रहे हो. बट आफ्टर ऑल ऑफ दिस, there is also the fact that you could become a much better player than what you are right now. Yeah. And then come back for the prime, 28 to 32, kill karne ke liye, aap aage wapas aaye sakte. So, I mean, why not, man? It's a gamble. It's a tough decision. You have to give him that at least. Yeah, 100%, man. Full, I mean, for everyone, I would say in this case, अगर देखा जाए तो फैंस के लिए बुरा है, because फैंस को अपना चाहिदा प्लेयर देखने को नहीं मिलेगा. But even then, if you tell the same guys that I'm now going to a club in Europe and therefore when I come back and play for the national team, I'll be like a 5x or whatever better player. They'll be like, yeah, for sure, man. And even if you look at the what the fan club has written about the player himself, they love him.
right? So they want him to do well, they wish him well. For the club, it works out because, you know, you have to look at, I think, multiple perspectives, yaar. Or, matlab, specific, agar hum baat kar rahe hain, toh usi context mein dekhte hain. Ki Kerala ka agar hum dekh lein, ek toh jo aapne already baat utha di hai, ki aapko half, matlab, is value mein, do badhiya usi level ke, ya jo bhi hai, usse shayad behtar, jo bhi, in terms of us position mein jo khelne wale. Yeah, central defender, for example, bahar se aapko mil jayenge. Mil jayenge. Right? एक और बात है कि आई मीन एज इट इज टू प्ले एन इंडियन सेंटर हाफ इज अ चैलेंज इन दी इन इंडियन लीग एज वी हैव वी नो फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन वन प्लेयर गेट्स इंजर्ड व्हेन संदेश गेट्स इंजर्ड देन वी आर रीशफलिंग द एंटायर बैक फोर या यू नो एंड अगेन नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनीवन और व्हाटएवर बट लाइक देयर आर प्लेयर्स ऑन द टीम दैट ऑन शेयर डिफेंसिव एबिलिटी would not make it into an India camp 10 years ago. Forget about an India starting 11. And we are talking about the same India only, not whether they would make it into some fictitious club level story. Right? So, if you're looking at holding on to a player like Sandesh, and tomorrow it may not be certain after his injury and all that, whether he'll be in a position to play centre back, usko foreign coach aake usko right back laga de, fir kya karenge? Sandesh ab right back khelega. But to be fair to the kid, he can still play it. Kyunki wo, kuch khiladiyon ki quality hoti hai, dimag hai. Dimag hai, confidence hai, jigra hai. Haan, jigra hai. हाँ मैं आपको इस लड़के के बारे लेकिन लेकिन आजकल आल्सो स्पीड है प्लेयर को काट सकता है वो सर वो क्रॉस डाल सकता है दिमाग टाइप होता है वो यू नो एसीएल इंजरी के बाद हाँ तो लाइक क्लब के लिए तो इसमें इट्स अ टफ डिसीजन एंड मेनली इट्स अ टफ डिसीजन बिकॉज़ फैंस से इमीडिएटली आपको गाली पड़ेगी सब सारे मैनेजमेंट को मैसेज आएगा कि आप क्या कर रहे हैं किसके लिए क्लब चला रहे हैं क्या कर रहे हैं ये वो 100 वो ऊपर से आई थिंक ही इज ऑलरेडी बैक अगेंस्ट द वॉल है बिकॉज़ सी अगर आप ट्रायल करने जा रहे भी हो ठीक है जनाब अबाउट द इंडियन क्लब में तो ऑफ कोर्स नहीं होगा बट अगर आप बाहर ट्रायल करने जा रहे हो यू आर गोइंग फॉर अ ट्रायल विद नो मैच फिटनेस या या यू आर गोइंग विद नो मैच फिटनेस सर तो यू आर नॉट एट द पीक ऑफ योर पावर्स चाहे आप जितना जिम में टाइम बिता लो he had gone to Europe for rehab as well. He was working with some European people for rehab. आप चाहे जितना भी कर लो, strength training कर लो, जो भी कर लो, ball के साथ जितना individual work कर लो. And now, as luck would have it, because of this entire pandemic thing, like you mentioned at the start also, you can't even get a five-a-side game. Yeah. So, थोड़ा मुश्किल है. It's a risky call. But I think given the fact that he's 25, 26, it had to be now or never. And I'm guessing that's why they've taken that call, man. Also, like you said, yeah, because Kerala Blasters ka aap dekho 6 seasons. First 3 years, two twice runners-up. Uske alawa, the other 4 seasons didn't even qualify for the playoffs. Last season, I think, 7th, man. And the situation became from bad to worse when fans stopped coming into the stadium, right? Whenever you talk about Kerala Blasters, you don't talk about Sandesh Jingan being the first thing. The first thing you say when you say Kerala Blasters, you talk about those... The 60,000 people that are coming in to watch a game. No, for sure, yeah. And then those 60,000 people started revolting, which I loved, man, because that is the kind of culture we need to inculcate, right? कि मेरे को दिल पे लगी है जनाब, हाँ? और मेरे को दिल पे लगी है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, ये क्या गंद चल रहा है यहाँ पे? हर हर दिन नहीं हो सकती। भाई तो उसी point पे, like अगर आप कह रहे हैं that budgets are tight and all of these things we all understand, right? So this one player is going, that opens up the opportunity for you as a club owner or someone who is building a team to maybe find 3-4 young guys, young players, exciting young, and because Kerala mein jitne fans hain, utne khelne wale bhi to hain. Bahut ke, bahut bade tez hain yaar. Bade tez hain, bade bhagaya nationals mein unhone yaar. Yeah. So you pick up, and so usse aapke fans bhi engaged hain because aap local players ko opportunity de rahe hain, wo sab ho raha hai, you know. Plus you have the chance to build some local talent up, and
और संदेश के बीच में कितना फर्क हो, मैं कह रहा हूँ संदेश इज अ गुड प्लेयर, टॉप प्लेयर, पर वो से 15 लाख के बीच का फर्क है. वो उतना फर्क है क्या? नहीं है, नहीं है ना, अपना लेवल ही वो है. अब अगर आप कहते कि सुनील छेत्री और कोई और मनवीर सिंह, तो मैं कहता हूँ वो फर्क है क्या? 100% फर्क है, क्योंकि वो एक प्रूवन गोल स्कोरर है. हाँ, ही इज प्रीटी मच लाइक अ फॉरेन साइनिंग इन एनी ऑफ योर टीम्स. बट गुरप्रीत सिंह संधू, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट अदर देन सुनील, आई डोंट थिंक आई कैन पुट माई फिंगर ऑन एनी वन सेइंग ही इज वर्थ. तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस inflation of prices in Indian football, man. हमने पहले भी बात करी है, ये bubble जो है, and I've tried asking so many people, कि how do you come to these valuations? Is it all with the agent saying कि sir हमारा player demand में, हमें इतने पैसे चाहिए, आप नहीं दोगे तो कोई और दे देगा. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, because talent and what he does on the field is one part of the valuation, yeah. So yeah. I just don't get it, and so I also don't get it. I mean, like this again. No, so maybe this will be a step forward in the sense that club owners finally realize, because Kerala Blasters has finally hired a director of football from abroad, right? Now, for whatever it may be worth, that guy must have been hired because he has a certain amount of experience in football and how it works in from wherever he's come from. And if he's also coming in and saying ki yaar ke player kyun khareed rahe ho aap aise? और उसको क्यों, मैं उसी की क्यों बात कर रहा हूँ, 90 लाख का खिलाड़ी, 80 लाख का खिलाड़ी, आर दे रियली वर्थ 90-80 लाख रुपीस, द अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंडिंग? या सो आई मीन देयर टू एलिमेंट्स टू इट. वन इज आर दे वर्थ दैट मच मनी? इफ यू लुक एट इट, आई डोंट नो हाउ यू डिसाइड दैट, राइट? या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड, लाइक जस्ट लाइक इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कशन हाउ मच your salary or my salary is. You know, the worth of a player in terms of what the player is getting paid, that should not really, I think, matter. No, but from a club perspective, it matters. Yeah, if I want to rate him or not. So from a club's perspective, if a club, then it gets into the same kind of analogy as any other industry. बाहर जब हम बात करते हैं प्लेयर की क्या वैल्यूएशन है, तो हम प्लेयर को, एक तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि कमोडिफाई कर देते हैं, कि आपने एक प्लेयर को एक नंबर बना दिया है. तो पर जितना आप उसको पैसा दे रहे हो, कमोडिफाई करना ही पड़ेगा ना, जस्टिफाई करना. क्यों? बट वो प्लेयर, आप एज अ फुटबॉल फैन जो कंज्यूमर हैं इसके, आप रोनाल्डो को इसलिए देखने जाते हैं, या मेसी को, या जो भी हो हाईएस्ट पेड फुटबॉलर दुनिया में, कि वो जो करता है बहुत बढ़िया तरीके से करता है, या कुछ अपनी टीम के साथ कुछ मजेदार करता है, या इसलिए देखने जाते हैं कि उसको इतनी तनख्वाह मिलती है, वो इस ये गाड़ी चलाता है. जनाब आप कहीं और जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो कमोडिफिकेशन नहीं, जस्टिफाई क्या, ये पूरा सिस्टम खोखला है, आर्टिफिशियल है. आपने किसी के नाम के साथ एक नंबर लगा दिया और आप अपनी पूरी जिंदगी वो नंबर्स के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, जैसे हम देख रहे हैं भाई क्लब्स, बड़े बड़े क्लब्स के साथ हो रहा है ना, ऑल द फाइनेंशियल फेयर प्ले ब्ला 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 एट अ ग्लोबल लेवल, वेदर इट्स AFC, UEFA, FIFA, हर जगह करप्शन, ये सब. तो उस चक्कर में हम उसको रहने देते हैं साइड, ठीक है, बिकॉज ये तो बड़ा बिजनेस है. जब तक लोग खाते रहेंगे या लोग पैसे देते रहेंगे टू बाय टिकट्स, there'll be people willing them to sell them tickets. Yeah, like sport has been going on for, I guess, since the beginning of human history in some way or form, whether it's like, you look at, wrestling and things like that, jo bhi hai, kuch na kuch chal hi raha hai. Aur wo hamesha, it's like a gift, club, ya jo bhi us time ka powerful aadmi hai, agar main raja hoon, toh I'm holding games for my people to enjoy, And then, the people, the athletes are there who are performers in this game, and then people are there who come to eat and drink and chill and watch these guys and support someone and whatever, right? So the that
like if athletes are able to negotiate for themselves high salaries, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, right? अगर आप कोई billion dollar company आपका club own करती है, तो this is Scottie Pippen, Michael Last Dance, Michael Jordan जो Netflix पे चल रहा है documentary, उसके बारे में बात करते हैं, right? So Scottie Pippen, people are feeling bad for Scottie Pippen because even though he's number two, the pretty much the number two player in the NBA, right? And his stats on certain counts are better than Michael Jordan's in terms of assists and stuff like that. Yet he is the 122nd highest player in the league, you know? So what are those negotiations and all that in terms of salary? Yeah, that's a separate, that's a separate thing altogether. समझ गया हूँ आप, ठीक है, आपकी मैं नहीं जा रहा valuation पे, ठीक है, लेकिन जो क्लब का इंटरनल बजट होता है वो तो क्लब को फिगर आउट करना है ना. तो अब ये दिक्कत ये है कि हर चीज को हम सबसे बड़ा बनाए, वही वही क्यों हम मजाक उड़ा रहे थे इस लैंग्वेज का, जर्सी को रिटायर करने का या ये सब का, बिकॉज इतना बड़ा ना तो हम इतने बड़े हैं, ना हमारा लाइक हिस्ट्री इतना बड़ा है, ना यू नो, तो आराम आराम से लाइक क्लब्स के मेक गुड sound choices that will allow the club to develop a fan base, develop local players, develop local talent, create a community vibe, do all of those things and also be financially viable. Agar parson Kerala Blasters band ho gaya because unhone 10 player hire kar liye jo bahut badi badi salaries le rahe hain, to fir kya kya bolenge fir fans? नहीं भाई, ये नहीं, वो मैं आपकी बात मानता हूँ, and this artificialness is a big part of this league. एंड ये रहेगा, ये कहीं जाने नहीं वाला. दे आर स्टार्टिंग टू नाउ थिंक डिफरेंटली एंड मेक सम चेंजेस, एंड दीज आर ऑल सीम टू बी चेंजेस इन दैट डायरेक्शन, नॉट डोंट पे प्लेयर्स और पे प्लेयर्स लेस. आई नो व्हाट यू सेइंग, यू नो, एक्सपैंड योर बेस, गेट आई डोंट नो मोर पीपल टू अ बेसिक लेवल, एंड देन यू कैन हैव द सुपरस्टार्स एंड ऑल दैट मैन. लाइक I don't know, you're saying the difference between Chhetri and Manveer. Chhetri at his peak and Manveer at whatever stage he might be in at today. Perhaps. But like, if you look at them today, pound for pound, minute to minute games played. Kya pata? No chance, sir. नहीं, मैं उनकी बात नहीं, उन दोनों की बात नहीं. Skill set, नहीं, skill set की बात कर रहा हूँ. जिस position पे वो खेल रहे हैं, that skill set requires you to score. Yeah. If there is one guy in this league, you can count आँख बंद करके आप बोल सकते हो कि ये गोल मारेगा, तो सुनील है. मनवीर उस लेवल पे अभी पहुंचा नहीं है. सही. ठीक है. But you look at Bangalore's last season and not having that Miku and how that impacted goals, not just the goals that Miku got, but also perhaps goals that other people got. But I'm still saying, because Sunil is still a cut above any Indian player for me. Main to ye keh raha hu. You can count him as one of the foreigners in your side. I again agree. And we are only talking about a situation where foreign players and Indian players are commanding the same salary. Right? Yeah. So, wo hum 10x wale chakkar mein to ja hi nahi rahe. Theek hai bhai, main ek padh raha tha of Dabayan Sen. पुराने दोस्त थे हमारे जी स्पोर्ट्स वाले, अभी ESPN.in के लिए काम करते हैं. तो उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि बिकॉज द एजेंट ऑफ कोर्स वाज नॉट टेलिंग अस, एंड ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट. पर आर्टिकल में उन्होंने लिखा है, माइट बी अटेम्प्टिंग हिज टू ट्राई फॉर क्लब्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड द UK. अब UK का अड़चन तो वही है कि आपकी रैंकिंग ही नहीं है, तो आप UK तो छोड़ ही दो ना जनाब. अब पता नहीं कि ऐसा क्या होगा, बिकॉज COVID-19 has changed, perhaps at least put many things on hold. But one thing is that Brexit का इस पर क्या असर पड़ेगा, बिकॉज आप फिर European players are also kind of out of the scene as of now, they were in the scene. I would imagine it would just make it much harder. Yeah. Because now, so UK... You know, the only thing I wanted to bring in this point from the club's perspective. See, in as brief a history as the ISL has, 6 years is like, you know, ki main bas uthaun abhi bistre se. Is that brief a history, right? When you compare it to other leagues. Yeah.
in that 6 years, you had finally developed that one player, and I'm sure they saw it from year one or year two, and they'd earmarked Sandesh to be that boy who was formed to connect with the fans, right? Where if you say Sandesh Jingan, then you straight away think Kerala Blasters, right? Yeah. And vice versa. Even though I feel it's the fans first for Kerala, then uske baad Sandesh Jingan aata hai. So in a league where the attempt is to make Indian stars, right? And he's doing that. He's doing fulfilling his job by performing on the field. Yeah. And also he's pretty good at his interactions with the fans and whatever mediums you're on. Yeah, social media, and all that. So. Yeah, and say the right thing and projecting that image. Kyunki aajkal to it really pisses me off, truth be told. Just projecting the right image. Main to ye socha tha, show a little vulnerability, yaar. Bae, sir, asliyat wo. No, but the issue is Sandesh, for example. Vulnerability dikhata hai. Main connect usse banta hai. Sahi baat hai. तो संदेश जैसे पोएट्री वोएट्री लिखता है तो दिखाता है वो अपना थोड़ा वल्नरेबल साइड एंड स्टफ ठीक है तो जब आपके पास एक वो ऐसा प्लेयर है देन टू लेट हिम गो बिकॉज़ द नेक्स्ट इंडियन प्लेयर इवन क्लोज टू कमिंग क्लोज टू दैट ब्रैकेट इज नोवेयर इन साइट नोवेयर कोई भी नहीं है ना तो वो एक मेरे को लग रहा है दैट इज द ओनली थिंग फ्रॉम द क्लब्स पर्सपेक्टिव राइट couldn't understand how you let him go. It possibly would have been a toss-up, saying ki, achha, yahan pe ACL, untested waters, don't know what's going to happen next season, financial issues next season. And 90 lakh mein utna hi aisa player bahar se le aayenge. Aur ye hai ki, ye connect hai, ek icon type cheez hai humare club ka. Fans ke saath connect hai. What the aim of this league is, which is a very big part of the league. So we'll be foregoing that. So I'm guessing they chose this and thus they allowed him to do so. Yeah. Because if you're bound by a year's contract, bhai, wo aram se apna pair niche laga sakte the. Kehte, na beta, na. Tum 2 saal ke contract pe, agar karna chahte the, to aram se usko rok sakte the wo. Haan. But ek to jab player jana chahta hai, to wahi, like you were bringing up earlier, he wanted to leave before also. Yeah. Right? So, अगर 2 years in a row same बंदे से वही आप कहने की जाए सर मुझे जाने दो हो गया है मेरा या you know तो क्या 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 बोलोगे आप बंदे को एक तो वो है it's like if सिद्धांत एक बारी स्काइप पे हमें बोले यार मुझे 420 grams छोड़ना है so then first I'll go like हाँ क्या बोला and then just cut the recording there and then and as said this will be the next few shows yeah So, I mean, it's, I don't know, इस चक्कर में, I think, पूरा सवाल ही भूल गया यार मैं. But, round and round जाए जा रहे हैं. हाँ. थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ कि, finally. गाड़ी को actually station पे लाते हैं, आगे ना बढ़ाएं. Station पे लाते हैं, we've come to platform Jingan. Yeah. And let's talk about him as the player, right? ये तो बाहर की बातें हो गई, speculation हो गई. But what you make of him as a player? In these 6 years that you've seen him, not just for ISL, but also for the Indian team. My first memory of this guy was when I was working on the first season of the ISL. Because yep. that time I was going, Bajegi CT Udega Ball, come on India, let's football. And you're still doing it on every show, by the way. I'm giving them sly hints, yeah, bro. Yeah. Kuch kaam hi nahi hai, bro. Hame ghar chula chalana hai ghar ka. Dekho yahan pe, bhai, aise nahi hota. So, First season, I was sent a lot to the ground because I was doing a lot of post-match interviews and all. और इस लड़के के साथ बात करी मैंने एक मैच के बाद. And वो होता ना कि straight away after the interview, I went and told a guy, I said, yeah, the guy sounds like an intelligent guy because he could put 3 words together, which was unheard of in Indian footballers, right? बड़ा rare था. मैंने जितने लोगों से भी बात करी थी यू स्ट्रगल टॉकिंग ऑन कैमरा एंड टॉकिंग ऑन कैमरा डिस्प्लेज अ सर्टेन सेंस ऑफ इंटेलिजेंस फॉर मी इन सम वेज ऑफ द अदर और कॉन्फिडेंस ऑफ व्हाटएवर इट इज राइट सो ही कुड पुट टू एंड टू टुगेदर बात आराम से कर पाता ही वाज आर्टिकुलेट एंड ही कुड मेक हिज पॉइंट जो वो बोलना चाह रहा था सो मेरे को तो एंड दैट वाज हिज फॉर मी दैट वाज हिज बेस्ट सीजन जब उसको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन मिला है आई थिंक 20 साल का था या कुछ एंड हूएवर द फॉरेन एक्सपर्ट्स वी हैड दैट ईयर And we had a lot of them because the first year, they were first few years, if you saw broadcast, was filling it up. Oh, yeah. कहाँ कहाँ से मतलब आ रहे हैं लोग करने के लिए. All of them said. Even the sort of
quality on the pitch in terms of people who are playing and watching and stuff like that, because उतना ज़्यादा push किया गया था उसको पहले साल में. Exactly. तो सबने जब पूछा गया, बिकॉज ये तो पूछना ही है कि सर आप आए हो तो बताओ कौन है इंडियन लड़के हुआ इम्प्रेसिंग यू, एंड एवरीवन यूनानिमसली टुक दिस गाइस नेम, राइट? एंड दे सेड आल्सो, आई एम सेइंग पार्टली बिकॉज़ ही इज 20 इयर्स ओल्ड एंड देयर वाज सर्टेन ईगरनेस टू हिज गेम. या या, द पोजीशन ही प्लेड इन आल्सो. या या, कितने आपको इंडियन दिख रहे हैं उस पोजीशन में? सही बात है सर. आपने जितना इनका गेम देखा है, चलो आईएसएल में आपने नहीं देखा है क्योंकि आप एंटी हैं. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं जब इंडिया प्लेयर्स को. तो इंडियन टीम में जब देखा आप, व्हाट वी मेड वाज गेम या ओवर द इयर्स. वी वेंट ओवर इट इन ब्रीफ एंड लिटिल व्हाइल अर्लियर व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ पोजीशनल वर्सेटिलिटी. अगर आप उसी बंदे को उठा के राइट बैक सडनली खिलाना शुरू करेंगे तो maybe baat na bane, because though that like pace perhaps, yeah, in terms of technical, pure technical footballing, I don't know what you call it, like, because if you see some of the stuff that he puts up, they are of course top level players, there's no doubt about it. But technically, not as strong as many other players would be. But yeah. I think he makes up for it. He makes up for it in heart. With heart, yeah. He reads the game well. Yeah, reads the game really well, yeah. And positional play also, I feel. Yeah, so when there's a good understanding with the partner, because you can't do things, their team sport hai. End of the day, wahi baat ho jati hai. Aur jo bhi hai, aapke jo aakhri do aadmi, jo last man khelte hai, jo central defense khelte hai. उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ही ज्यादा, और जो गोलकीपर है बिहाइंड में बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनके बीच का क्या कम्युनिकेशन है. सो दीज आर एंड बाय अनस एंड फॉर एग्जांपल अनस एंड संदेश हैड दैट लिटिल थिंग गोइंग, यू नो, दे माइट नॉट बी ग्रेट लुकिंग टैकल्स, इट माइट नॉट बी ब्रिलियंट इंटरसेप्शंस, बट यू गेट द जॉब डन. या you're there at the right time in the right place, yeah, the job that you are required to do. So looking pretty is the thing that we can talk about in, you know, abstractly, but we can see it's worked. Also he was captain of the defense line, right? Yep. Every line has a captain in every team. He was captain of the defense line, and if the position you're playing, very vocal player, right? Oh, yeah, we're talking about when he gets injured and he's not there. That communication automatically goes out the window, and then your defense collapses. Totally. And truth be told, during the ISL, he's also had some very inconsistent seasons. Very inconsistent seasons. Yeah. Where he looked very ordinary. Very, very ordinary. Totally off color. Now, I don't know what the reason for that was. Yeah, because kya hota hai, aksar jab khiladi khel raha hota hai na, even a small little niggle can completely throw you off your balance. और स्मॉल लिल या बुखार हो, पता नहीं हमें तो बाहर से देख रहे हैं हम लोग. फॉर अस एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, बट अक्सर खिलाड़ी की जो फॉर्म में होता है, नहीं होता है, वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, वो उस ग्रे एरिया में एक्चुअली डिसाइफर होता है क्यों वो आदमी नहीं चल पा रहा. बट इंडियन टीम के लिए आई थिंक दिस विल बी अ गुड थिंग, इफ ही गोज अब्रॉड जहाँ भी खेले, इट बी ग्रेट फॉर द इंडियन टीम मैन, बिकॉज आई थिंक आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खेलेगा, एक अथॉरिटी बढ़ेगी. और ऐसे पोजिशन पे खेलता है ना भाई, कि एक वैसा प्लेयर होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. या यू नो, वी वर टॉकिंग, आई वाज टॉकिंग अ कपल ऑफ फॉर्मर प्लेयर्स अबाउट द सॉर्ट ऑफ सिचुएशनल थिंग्स दैट हैपन इन द आईएसएल. एंड एक तो हम कह रहे थे कि अभी भी अगर भाईचुंग फॉर एग्जांपल खेल रहा होता एज अ स्ट्राइकर अपने पीक में आईएसएल, तुम बच्चों ने कुछ देखा ही नहीं है यार. अरे सोचो कितने गोल मारा होता है यार. हाँ, बड़े गोल मारता. बिकॉज आप एक तो देखें, आपके पास पीछे लेट्स से जैसे सुनील खेलता है आगे बैंगलोर के लिए, वैसे ही भाईचुंग खेल रहा होगा जिस भी टीम के लिए. पीछे आपके पास चार पांच ये स्पेनिश प्लेयर हैं जो बिल्डअप कर रहे हैं, पिन पॉइंट टंग टंग बॉल डाल रहे हैं, नॉट ऑल द टाइम, एक दो तीन चार बार. भाई तो मतलब एक तो उनका नेचुरल है जो भी है, ऊपर से वो
any body part he can use to put the ball in the net, right? Because he just pops up there where the ball is. So the conversation was that if you look at it from that perspective, a lot of it also has to do with how much space there is in these positions that he would get into, you know? Yeah. So for Sandesh as a person who needs to close down or cut off that space, going abroad and playing with overall everyone that's at a higher level, training at a higher level day in, day out. मतलब वो वापस आके वोकली अपने पर्सनालिटी के पावर से जो कन्वे करेगा बाकी टीममेट्स को एटलीस्ट नेशनल टीम में ऑल्सो क्लब टीम में बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल टीम के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है इट्स यू कांट लाइक ए लीग इन ऑस्ट्रेलिया वुड बी ग्रेट आई मीन यू गेट सम ऑफ द बेस्ट एशियन टैलेंट प्लेइंग देयर टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज एंड मेनी ऑफ दीज गाइज आर guys that go to the major tournaments at the continental world cup level so playing with them is as good as it gets for most asian players so why is it not good enough for indian players fair enough but itna aasan nahi hai I remember mangi bahut dur hai bahut hi dur wo mangi peak wala mangi gaya tha wo yeah aur mangi wahi na bhai bahut pati ki baat hai jo mangi ne dil khol ke us time bola tha jo aap vulnerability ki baat karte hain it touches on that also मांगी सेड कि मैं जब गया तब तक एस्टैब्लिश में सीनियर इंटरनेशनल सो द एक्सपेक्टेशन दैट दीस गाइस हैव एंड शो माय रीडिंग ऑफ द गेम इज बेटर एंड आई हैव एक्सपीरियंस सो आई नो हाउ टू डू थिंग्स सो आई कैन एटलीस्ट मैनेज बट इन टर्म्स ऑफ जस्ट लाइक बेसिक्स यू नो दे आर लाइक वे अहेड यार घंटों वाली बात होगी ना वो 10,000 वाला रूल हो गया ना मतलब वो बच्चों के साथ ट्रेन जब कर रहा है कह रहा है मुझे थोड़ा बहुत बुरा भी लग रहा है भाई कि ये लोग बोलेंगे यार ये इंडिया इंटरनेशनल है तो लाइक एंड ऑफ कोर्स देन इट फायर्स यू अप एंड इट्स ओनली लास्ट अ कपल ऑफ ट्रेनिंग सेशंस मे बी अ वीक टू वीक्स व्हाटएवर लाइक यू वर सेइंग यू हैव टू गेट टाइम टू गेट यूज्ड टू व्हाटएवर इज गोइंग ऑन यू नो बट यू कांट नेगेट द फैक्ट दैट देयर आर ह्यूज गैप्स इन What's happening in Indian football and what's happening anywhere? So Australia would be super. Or हर बार World Cup जाते हैं भाई. हाँ ये तो भाई भाई एक पहले just for all the people watching this, Siddhant told me यार ये थोड़ा newsy है भाई we'll और थोड़ा late record कर रहे हैं हम लोग. भाई आधे घंटे का show करेंगे max. ठीक है bro, we won't go longer than that. Cut. We'll get the news and we'll get out. Sir कितना हो गया time? Sir 52 minutes and 41 seconds. मैं तो कह रहा हूँ यार कोई हमारी जर्सी रिटायर करे बकवास कर ये था लेजेंड नो बिकॉज़ यू नो योर इट ऑलवेज स्टार्ट्स द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद समथिंग न्यूजी यार आप तो राम जी को भी ले आए थे बनवास से अंदर सर आप मतलब ये आपके आप में जो क्या कहते हैं ये गुण है अनोखा जो बंदा आपसे बात कर रहा होता है ना वो सभी सब पूरी कहानी सुना देता है यार तभी तो आते नहीं है लोग इंटरव्यू के लिए डरते हैं लोग सही बात ये आप क्या आ गए तो क्या क्या बोल देंगे क्या पता सही बात वो तो खोलने का तरीका है पहले पहले आ गया तो जनाब ठीक है आई थिंक काफी हमने यहाँ पे बतिया दिया है आजकल यूपी का ट्रेंड चल रहा है एज फार एज कॉन्टेंट इज कंसर्न बतिया रहे हैं यूपी में कहते हैं काफी विच इज बकवास करना बेसिकली जाते जाते आपसे एक सबसे क्रूशल सवाल ये पूछना है कि क्या आप केरला ब्लास्टर्स को फोन करेंगे संदेश की जर्सी के लिए कि मैं फोन करूंगा अब तो स्टेडियम में देखेंगे जाके प्रणाम करेंगे रिटायर होगी जर्सी क्या करेंगे रिटायर का मतलब क्या है कि इसके बाद कभी छपेगी नहीं नो छपेगी ऑफ कोर्स छपेगी कि दुकानों में तो छपेगी लेकिन कोई और प्लेयर उसको पहन नहीं पाएगा तो बाय द वे हमने यहाँ पे 55 मिनट पे और इसके ऊपर काफी हमने डिग्स मारे हैं ये एक डिग हम दोनों पे है सर क्या जर्सी नंबर है उनका 21 और पढ़ाई करके आए सर उनका इंस्टाग्राम पोस्ट मेरे सामने ही खुला हुआ है यार मैं 6 नंबर बोलने वाला था नो फॉर दैट्स व्हाट
It's a bit of an obscure number. Maybe it's his personal lucky number or something like that. तो इसलिए चूज किया हुआ because otherwise अगर 10 नंबर होता तो question mark. Question mark. ठीक है भाई. Number nine, number one. You know. Yeah. No wonder they decided to do PR because आजकल PR के अलावा और क्या बचा है जिंदगी में. जाते जाते सर एक message to संदेश कि जनाब वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर. ये देखो ये आपने तरकीब देखी आपने है? पहले ऐसे ऐसे किया थोड़ी चाकू मारे फिर वापस ऐसे किया अब जाते जाते फिर ऐसे चाकू क्यों कहा मारे भाई ऐसा मत करो. आप सीनियर प्लेयर हैं सीनियर प्रो हैं उनके आप भला ही चाहते हैं ऐसा बिल्कुल भला चाहते हैं सर. यही मैं कह रहा हूँ टू मच लव टू संदेश एंड इफ ही इज टेकन द डिसीजन टू गो अब्रॉड बडी वी बीन सेइंग इट फॉर अ व्हाइल नाउ दैट यू गाइस नीड टू डू इट. So we are looking forward to it, man, and wish you all the very best. And that's that. And to all the Manjapada, don't take things too seriously. Or what we said. No. Feel bad. Love your players. Keep loving them. There'll be more players who will come. And like I don't know what I mean. Yeah. Keep doing what you're doing. And we'll keep doing what we're doing. I know because it's important yaar owners pe pressure kahan se padega bahut zaroori hai fans pe hi padega bahut zyada fans se hi bhai mere ko andar se itni khushi hui jab maine suna ki ye protest ho rahe hain aur unhone decide kiya we will not enter the stadium. That for me when you look back at say the first 10 years of the ISL if it reaches the 10 years main to keh raha hu agar wo 10 saal tak gaadi pahunchti hai. This for me is one of those defining moments in the 10 years when fans decided to take matters in their own hands. Yeah. Right? Sense of realism that came into it. And that was brilliant, man. Much love to all the people for that. Right on that note, we'll put an end to this unending banter and rambling and whatever it is. But again, all the best to Sandesh and we will be back actually talking about something very different in the next episode. Most likely, things might change. Most likely, we'll be attempting to give you our take on total football and Johan Cruyff and some of the stories around that. 74 World Cup. Yeah. Bhai, but since you're talking to the people watching the show, because I don't refer to them as fans, I say people watching the show or brothers in arms. The thing is, यार कोई बताएगा अगर हमें आप लोगों के साथ बातचीत करनी है and we want to get you people on the show or we want to talk to you guys, then what is the right way to do it? Facebook live है, YouTube live है, क्योंकि बेइज्जती नहीं करानी यार. ऐसा ना हो ना कि हम Facebook live, YouTube live पे चले गए और चार लोग आए, हाँ, उसमें से तीन लोग विराट कोहली ही बात कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी वहाँ पे. तो आप लोग बताइए व्हाट वुड बी द राइट मीडियम एंड हाउ शुड वन गो अबाउट अप्रोचिंग इट, क्योंकि हम वेले बैठे हैं भाई और बतियाना तो हमारा काम है, सुनना आपका काम है.